हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे ये पल्स ऑक्सीमीटर की बात करूंगी। मतलब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही छोटा है और इससे हम ऑक्सीजन लेवल कितना है वो देख सकते हैं। तो मैं इसके बारे में आज आपसे बात करूंगी, इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये है छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर और ये इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा और सिंपल होम गैजेट है पल्स ऑक्सीमीटर। इस पेशेंट को ये क्रिटिकल स्टेज में जाने से पहले ही अलर्ट कर देता है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि आजकल कोविड-19 से कितने लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट को आप अपने घर में ज़रूर रखें। दोस्तों, वैसे तो दो चीज़ें अपने घर में आपको ज़रूर रखना चाहिए, एक पल्स ऑक्सीमीटर और दूसरा थर्मामीटर। दोस्तों, ये जो आप छोटी सी डिवाइस देख रहे हैं जो एक क्लिप की तरह हमको दिखाई दे रही है, तो इसे हम इसके बीच में हम अपनी जो फिंगर है उसको होल्ड करके रखते हैं। और उससे पहले आप ये बात का ध्यान रखें कि आपकी जो फिंगर है वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ होनी चाहिए, तभी आप अपनी फिंगर को इसमें होल्ड करके रखें। इसमें जो सेंसर होता है, इस पल्स ऑक्सीमीटर में जो सेंसर होता है, उससे हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का जो फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है। दोस्तों, इसकी जो रीडिंग है वो हमें ऑक्सीमीटर की जो डिजिटल स्क्रीन है इस पर दिखाई दे देगी। तो स्क्रीन पे यदि 95 से 100 के आसपास की आपको डिजिट दिखाई दे तो नॉर्मल है वो, और यदि किसी को इससे कम हो जाती है, 95 से कम रीडिंग दिखाई देती है, तो उसे सांस से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। मतलब यदि ऑक्सीजन की रीडिंग यदि 92 या उससे कम दिखाई दे रही है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से आपको कांटेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, इसमें हमें ऑक्सीजन रीडिंग के साथ में हार्ट रेट भी पता चल जाता है। जो सामान्य हार्ट रेट होता है वो लगभग 60 से 100 बीट पर मिनट होता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम पल्स ऑक्सीमीटर कैसे वर्क करता है। ये जो छोटी सी बटन आपको दिख रही है, इसे ऑन करना है और फिर आपको ये दोनों इसके बीच में आपको फिंगर को अपनी होल्ड करना है और फिर से आप एक बार ये बटन को ऑन कर दीजिए। तो देखिए, इसमें अब रीडिंग स्टार्ट हो गई है। ये जो आपको डिजिटल स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस पे जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो आपको दिखाई दे रहा है और नीचे जो हार्ट का साइन सिंबल बना हुआ है पर मिनट में आपको दिखाएगा। तो दोस्तों, अभी जो मेरा ऑक्सीजन लेवल है वो 98 शो कर रहा है एंड जो पल्स है वो 71 दिखाई दे रही है। ये चेंज होते रहेगी थोड़ी थोड़ी देर में, तो इसे आपको थोड़ी देर रखना है ताकि स्टेबल हो सके ये, और फिर आप इसकी एग्जैक्ट रीडिंग ले सकें। दोस्तों, आपको इसे उल्टा नहीं रखना है, नहीं तो कुछ लोग होता है 98 को 89 पढ़ के घबरा जाएंगे कि इतनी कम ऑक्सीजन लेवल कितना ऐसे कैसे कम चल रहा है। तो आपको उल्टा नहीं रखना है, इसे सीधा ही पढ़ना है। तो अब ये स्टेबल हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेरा 98 ही है और जो हार्ट रेट है वो पर मिनट में आपको दिखाई दे रही है 88। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब मैं अपनी फिंगर को निकाल रही हूँ और इसे आप ऐसे ही रहने दें, ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा या फिर आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। ये देखिए, ये बंद हो गया। इसे यूज़ करते समय आप एक बात का और ध्यान रखें कि आपके जो फिंगर है उसमें जो नेल्स हैं उसमें नेल पेंट नहीं लगी होने चाहिए और आपके जो फिंगर है वो अच्छी तरह से साफ़ होनी चाहिए। तो आए दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैंने जो पल्स ऑक्सीमीटर से रिलेटेड आपको जो भी जानकारियाँ बताई है वो आपको समझ आ गई हो। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप कोई भी पल्स ऑक्सीमीटर ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ ये देखिए सीरोश फिंगर ट्रिप पल्स ऑक्सीमीटर लिया है और ये मुझे 1500 में पड़ा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। मैं फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।